हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट नायलॉन सिक्स। नायलॉन सिक्स एक पॉलीअमाइड टाइप का पॉलीमर है। पॉलीअमाइड का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे अमाइड लिंकेजेस होते हैं ना, इसलिए इसको पॉलीअमाइड बोलते हैं। तो ये पॉली नायलॉन सिक्स प्रिपेयर कैसे होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन सिक्स, नायलॉन सिक्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में हमने नायलॉन सिक्स पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी हम रिपीट करेंगे। इट इज़ हीटेड अबाउट 533 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अबाउट 4 to 5 hours। द रिंग ब्रेक्स एंड अंडरगो पॉलीमराइजेशन। द मोल्टन मास पास थ्रू स्पिनर्स टू फॉर्म नायलॉन सिक्स। देन आपको एक नीचे रिंग दिख रही है। रिंग, दिस रिंग इज़ द मोनोमर ऑफ नायलॉन सिक्स। इसका नाम है ई कैप्रोलैक्टम, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। देन इसको हमको हीट करना है, पानी के साथ हीट करेंगे और फिर आपको अंडर पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको एक स्ट्रेट चेन मिलेगी। तब दिस स्ट्रेट चेन इज़ नथिंग बट द नायलॉन सिक्स। अभी हम एक्चुअल में ये पॉलीमर प्रिपेयर कैसे होता है ये देखेंगे। तो देखो एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसी है। तो देखो, दिस इज़ द मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन सिक्स। नायलॉन सिक्स के लिए जो मोनोमर लगेगा, दिस इज़ द 7-member रिंग एंड द नेम ऑफ दिस रिंग इज ई कैप्रोलैक्टम। इस रिंग का नाम है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, ये जो 7-member रिंग है, इसको हमको पानी के साथ हीट करना है। पानी के साथ हीट करने के बाद आपको तो पता ही है, तो एच पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव से क्या बनता है, पानी बनता है। तो एच पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव मिला के यहाँ पे क्या करेंगे, ए बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ए बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बन को एक यूनिट मिलेगा ओ एच निगेटिव एंड एन एच को एक यूनिट मिलेगा एच पॉजिटिव। तो एन एच को ही एच पॉजिटिव क्यों मिला, क्योंकि एन एच पे क्या होती है, 1 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे क्या होती है, 1 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। दैट्स वाई नाइट्रोजन इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यूनिट के यूनिट को अटैच होने के लिए एक नेगेटिव एंटिटी लगेगी, आपको नेगेटिव यूनिट लगेगा। तो ओ एच नेगेटिव कार्बन के पास चला गया और एन एच के पास कौन आया, एच पॉजिटिव आया। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद आपको एक स्ट्रेट चेन मिलेगी। ब्रेक होने के बाद आपको एक स्ट्रेट चेन मिलेगी। स्ट्रेट चेन कैसी होगी, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या अटैच हो गया, ओ एच अटैच हो गया। और यहाँ पे देखो सी एच टू यूनिट कितने हैं हमारे पास, सी एच टू यूनिट टोटल है 5। तो सी एच टू बाय 5 एज इट इज़ वैसे कि वैसे ही रहेगा। और बाद में यहाँ पे देखो एन एच को क्या हो गया, एक एच कम्बाइन हो गया। तो वो एन एच को एक एच कम्बाइन होने के बाद वो क्या हो गया, एन एच टू हो गया। तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट चेन में एक एंटिटी मिल गई, लेकिन ये जो यूनिट है, ये जो एंटिटी है, ये आपको एक ही मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पॉलीमर फॉर्म करना है फ्रॉम एन नंबर ऑफ मोनोमर्स। ये मोनोमर कितने लेने हैं आपको, एन नंबर्स में लेना है। तो आपको ए जो एंटिटी मिलेगी, ए भी कैसे मिलेगी, एन नंबर्स में मिलेगी। तो इतने तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो मैं आपको एक और ऐसे सेम एंटिटी मिला के पॉलीमर कैसे प्रिपेयर होता है ये बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे एक यूनिट और लेती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू बाय 5 सिंगल बॉन्ड एन एच टू। तो इनको मिला के आपको एक पॉलीमर प्रिपेयर होगा। पॉलीमर कैसे प्रिपेयर होगा, देखो यहाँ पे एन एच टू है और यहाँ पे ओ एच है। तो एन एच यानी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहती है, लोन पेयर रहती है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल निगेटिव एंड कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो ओ एच है, ओ एच निगेटिव रहता है, वो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पे क्या बचा, फिर एन एच और यहाँ पे सी ओ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वैसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक ओ एच है और एन एच से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक ओ एच ए ओ एच और एक हाइड्रोजन निकल के वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो क्या बचा, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू बाय 5 और एन एच
एक एच चला गया तो यहाँ पे एनएच बचा सिंगल बॉन्ड। इसके सामने देखो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू बाय फाइव सिंगल बॉन्ड एनएच, यहाँ का भी एक हाइड्रोजन चला गया, तो आपको एक ए एक रिपीटिंग यूनिट मिलेगा। दिस रिपीटिंग यूनिट इज नथिंग बट द नाइलॉन सिक्स। ये क्या है? नाइलॉन सिक्स है। इसको क्या हम क्या बोलेंगे? नाइलॉन सिक्स। तो यहाँ पे नाइलॉन के सामने सिक्स क्यों लगाया? तो क्योंकि आप मोनोमर में देखो, ई कैप्रोलेक्टम में, कैप्रोलेक्टम में देखो टोटल कार्बन कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स कार्बन होते हैं। इसलिए नाइलॉन के सामने आपको कार्बन का नंबर लिखना पड़ता है, दैट मीन्स सिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन सिक्स। इन शॉर्ट आपको ऐसी भी रिएक्शन आप लिख सकते हो नाइलॉन सिक्स की। देन द एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ नाइलॉन सिक्स, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज यूज एज ए थ्रेड इन ब्रिसल्स फॉर टूथ ब्रशेस, देन एज गियर्स फिटिंग्स एंड बियरिंग्स। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी नाइलॉन सिक्स का यूज़ होता है, गियर्स फिटिंग्स एंड बियरिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। देन थ्रेड्स रोप्स फिलामेंट्स नेट्स बनाने के लिए नाइलॉन सिक्स का यूज़ होता है। देन गन फ्रेम्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। देन सर्जिकल शूटर्स में सबको वो थ्रेड पता है जो सर्जरी के लिए स्टिचेस देने के लिए यूज़ होते हैं, वो भी नाइलॉन्स सिक्स से ही बनते हैं। देन स्ट्रिंग्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो भी नाइलॉन सिक्स से बनते हैं। देन इन हुजरी एंड नीटेड गारमेंट्स में भी नाइलॉन सिक्स का यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइलॉन सिक्स।